नमस्कार दोस्तों, अगर जबलपुर में आप एक पिकनिक स्पॉट ढूंढ रहे हैं या एक टूरिस्ट प्लेस में जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस जो है उनमें से एक है बरगी डैम। वैसे तो जबलपुर में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस हैं, बेड़ा घाट, मदन महल, हैंगिंग रॉक्स, मगर सबसे बढ़िया जो टूरिस्ट प्लेस है वो है बरगी डैम। बरगी डैम एक ऐसी जगह है यहाँ पे आपको जबलपुर में रहते हुए ही गोवा जैसा आनंद महसूस हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको पूरी जानकारी बरगी डैम में और वहाँ पे जो बोटिंग क्लब है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में। ओके तो फ्रेंड्स, बरगी डैम जो है ये जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर है जो कि मंडला रोड की तरफ है। हम जैसे ही बरगी डैम की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मध्य प्रदेश के जनजीवन के बारे में पता चलता है। यहाँ पे बिल्कुल आउटसाइड में ये सिचुएटेड है। आप देखेंगे रास्ते में आपको मध्य प्रदेश की पूरी जो संस्कृति है वहाँ का रहन-सहन आपको दिखाई देता है। चौड़े चौड़े खेत हैं और जैसे ही आप पहुँचते हो बरगी डैम में तो कुछ इस प्रकार का आपको नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक रिजॉर्ट है, बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है। यहाँ पे जो है वाटर बोटिंग होता है और यहाँ पे आप गाड़ी जो है पार्क कर सकते हैं। ये रहा वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का आकर्षण का केंद्र है। बरगी डैम में आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ी झील है जिस झील का पानी रोक करके उसके ऊपर डैम बनाया गया है। दूर दूर तक फैली हुई झील आपको मानो जैसे गोवा की याद दिला देगी। यहाँ पे आप ये महसूस करेंगे कि जैसे आप किसी आइलैंड में खड़े हैं। यहाँ पे इतना गहरी झील और उस झील के अंदर सबसे बढ़िया बात यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रूज चलते हैं, मोटर बोट्स हैं, प्लस और भी बहुत सारे इंजॉयमेंट के यहाँ पे साधन हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स देखने लायक है, हम आपको वहाँ भी ले जाएंगे। दूसरे शोर पे यहाँ लोग पिकनिक मनाते हैं, अपना लंच भी यहीं पे करते हैं, पार्क करके गाड़ियाँ और खूब मज़े करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो कि अपना समय यहाँ पे बिताते हैं। तो ये है क्रूज़, यहाँ पे डबल डेकर क्रूज़ है, प्लस ये लेफ्ट साइड में मोटर बोट भी है। इस प्रकार यहाँ पे आप जो है क्रूज़ का आनंद ले सकते हैं। जो सेम पंजिम गोवा में क्रूज़ चलते हैं सेम ये वैसे ही क्रूज़ हैं। यहाँ पे क्रूज़ के अंदर डांसिंग का और म्यूज़िक का खास प्रबंध है। तो चलिए अभी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे जाके कि कैसे आप जो है इस पिकनिक स्पॉट का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए क्रूज़ है डबल डेकर, नीचे की और ऊपर की दोनों की अलग अलग टिकट्स होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डीजे लगे हुए हैं। आप फुल एंजॉय ले सकते हैं इस क्रूज़ में। प्लस यहाँ पे मोटर बोटिंग है जिसका एक अलग ही आनंद है, और मोटर बोट में भी हम आपको जाके दिखाएंगे कि कितनी स्पीड से मोटर बोट्स यहाँ पे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम मोटर बोट में बैठ जाते हैं। ये देखिए इट्स अ टोटली हाई स्पीड मोटर बोट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ मोटर बोट का अलग ही आनंद है और आपको एक ऐसा महसूस करवाएगा जैसे कि आप गोवा में या किसी सी बीच के अंदर जो है मोटर बोटिंग कर रहे हैं। बहुत ही आनंदमय जगह है। और उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप जबलपुर में हैं और अगर आप घूमना चाहते हो तो आप बरगी डैम में बिल्कुल घूमें और बरगी डैम का आनंद जरूर लें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी जानकारी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई होगी और ऑनलाइन आपको पता चल गया होगा कि अगर आप जबलपुर में घूमने जाते हैं तो आपको बरगी डैम में क्या करना है और कैसा वो दिखता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर आपने कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गॉट सच वीडियोज़।